लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। अरे बाबा किस बात की, सब खैरियत है ना? अरे हाँ भाई, वो मेरे 20 साल पुराने केस का फैसला हो गया। अरे बाबा कौन सा केस था जो 20 साल चलता रहा है? दूध वालों को क्या पता कि कैसे कैसे केस होते हैं। और क्या, मुजरिमों को पता होता है क्यों? अरे कौन सा केस, किसी को कत्ल तो नहीं किया था? अरे नहीं भाई, किसी को नहीं, वो तलाक का फैसला हो गया। अरे बाबा तलाक, वो भी 20 साल। वैसे जो सेहत है ना आपकी, आपको देख के 2 मिनट में तलाक का फैसला हो जाए, 20 साल हैरत है। अरे भाई अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, अभी 20 साल पहले तो मेरी शादी हुई थी। अरे बाबा 20 साल से तो तुम्हारी तलाक का मुकदमा चल रहा था। खैर ये बताएं कैसे आना हुआ आपका? अरे भाई ऐसा कुछ खास नहीं, मैं बस यहाँ से गुजरा था, सोचा आप लोगों से सलाम दुआ कर लूं। वालेकुम अस्सलाम, खुदा हाफिज़ बाबा। अरे भाई मैं अपने बेटे को लेके आया था आप लोगों से मिलवाने के लिए। रंगीले मियां आपका बेटा, ये कब हुआ? अरे हुआ तो बहुत पहले था, पर जब केस का फैसला हुआ ना तो मेरे हिस्से में आ गया। अरे बाबा है कहाँ, एक मिनट बुलाता हूँ। आ बेटा, बुज्जी बेटा। आहा बा, ओ हो 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 हो, अरे इतना सारा खाना। बेटो बाबा इसको देखो जरा। मुज्जी बेटा क्या कर रहे हो, चलो घर चलो। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है ना, खाना खा लो, खा के आ जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, फिर मैं इसको आकर ले जाऊंगा, ठीक है? ख्याल रखना इसका। अरे बाबा बेचारे को अभी तो खाने दो, 20 साल से भूखा था। 20 साल से कहाँ से भूखा है, 20 साल से तो केस चल रहा था। वही मतलब। अच्छा ख्याल रखना। गुच्ची गुच्ची गुच्ची। अरे बाबा इसमें हमने चूहे मारने वाली दवाई डाली है, ये मत पियो बाबा। चुप कर, डराए नहीं बच्चों को, बिस्किट खा लो। ये बाबा ये तो सब खा जाएगा, डायनासोर की तरह खा रहा है। हाँ भाई खाना खा लिया? हाँ खा लिया। तू अब कब जाओगे? मैं अब घर नहीं जाऊंगा। क्या यही रहेगा क्या? हाँ जब तक अब्बा नहीं आ जाते। मतलब अब्बा नहीं आएंगे तो तुम यही रहोगे? हाँ तो क्या हो गया? कुछ नहीं। बात सुनो। हाँ यार मुझे एक ग्लास जूस बना दो। मैं तेरा नौकर हूँ क्या? नहीं नौकर तो नहीं हो, लेकिन। लेकिन क्या, पैसे देते हो क्या तुम मुझे? नहीं देता तो नहीं हूँ, लेकिन दे सकता हूँ, और इतने कि तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। अबे चल बे, खाना देख के तो तू पागल हो गया और मुझे पैसे देगा, वाह। लगता है तुम्हें यकीन नहीं है। ये क्या है? ये देखो मेरे नाम का प्राइज बॉन्ड, इस पर तो मारे लिखा हुआ यार। हाँ तो मेरे अब्बा मुझे मुज्जी बुला रहे थे ना। बुला तो रहे थे। अरे अभी तो मैं आया हूँ, कल जाऊंगा करवा लूंगा। एक काम करो तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हें अच्छी खासी रकम दे दूंगा मैं। यार अब तो जान हाजिर है, मैं अभी आपके लिए जूस लेके आता हूँ। बस ठीक है, लेके आता हूँ जूस। 2 ग्लास कर देना यार। अच्छा ठीक। मैडम। मैडम क्या है? वो है ना अपना मुज्जी। कौन मुज्जी? अरे रंगीले का बेटा। वो क्या, वो अभी तक गया नहीं? नहीं नहीं अभी कहाँ गया? क्या अभी तक नहीं गया? तो वो तो घर का सारा राशन पानी सब खा जाएगा। मैडम वही बताने तो आया हूँ। अरे बातें बातें तुम सब छोड़ो, बाद में बताना, अभी तुम जाओ जाके चीजें छोड़ो, जल्दी करो। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों बजाय सच्ची? हाँ ना 10 करोड़ पूरे, पक्की बात है ना? तुमने सही से उसका नाम पढ़ा था? हाँ हाँ मैंने खुद देखा है, जभी तो कह रहा हूँ। उसके बाप को पता ही है? उसके बाप को पता होता तो वो छोड़ के जाता। बात तो ठीक है तुम्हारी। मैं तो कहता हूँ एक हिस्सा भी हमें मिल गया ना, मजा आ जाएगा। बात तो तब है कि अगर हमें दे। देगा क्यों नहीं देगा, बस थोड़ा ख्याल रखना। तो तुम जाओ ना उसके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो जल्दी से, मैं भी आके देखूं।
अरे बाबा तुमको अपने घर नहीं जाना है क्या? नहीं जाना। अरे बाबा कैसे नहीं जाना है, चलो जाओ शाबाश अपने घर जाओ। बाबा यहाँ कब तक बैठा रहेगा? जब तक मेरा दिल करेगा। ये पिटेगा आज मेरे हाथ से बाबा। सुनो 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 तो सही। अरे बाबा सुनना क्या है? वो हाँ बाबा क्या हो गया है? आप इसे कुछ ना कहें। अरे बाबा क्यों ना कहें, मेरा साला है क्या? ऐसे ही समझ ले। अरे बाबा तुमको इस छोकरे से इतनी हमदर्दी है कि उसको अपना भाई बना लिया है? वो पड़ोसी है ना हमारा। अच्छा बाबा अच्छा ठीक है। अच्छा ये मैडम आपने बता दिया बच्चू भाई को? क्या बाबा? यही कि मैडम ने भाई बना लिया। हाँ बाबा अभी अभी बताया सीमा ने। ये तो अच्छा हो गया, रेडीमेड साला मिल गया आपको। हाँ बाबा सोच तो मैं भी यही रहा हूँ। तो अब आपने इनको कुछ नहीं कहना? हाँ बच्चों प्लीज अब कुछ नहीं कहना। अच्छा ठीक है, आप कहती हो तो मैं इसको कुछ नहीं कहूंगा। माय कावॉय। हाँ भाई कब से फोन कर रहा हूँ तुम्हें, कहाँ हो तुम? तुम बला यहाँ क्या कर रहे हो अभी तक? मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा है तुम यहीं रहना, भैंसों के साथ और भी जानवर आ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ नहीं मैं अंदर रहूंगा। क्यों बला, क्या तुम्हारा अपना घर नहीं है क्या? नहीं 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 मुझे रहना इधर ही है। क्यों, जाओ अपने घर, हमने क्या तुम्हें गोद लिया हुआ है? अरे क्या बातें कर रही हैं आप? अरे अपना जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं इनसे बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये मुझसे बात नहीं कर रही। ये तो बड़ी शर्फ की बात। क्यों, इनसे लोग भागते ये आपसे भाग रही, वाह। क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं मेरा मतलब है कि लोग तो आप पे मरते हैं, चाहते हैं कि आपसे बात करें। नहीं 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 इनका मतलब कुछ और था। अबे चुप, कहाँ जा रही है? क्यों तुमसे मतलब, ये मेरा घर है मेरी मर्जी। अच्छा बात तो सुनो। हाँ बोलो। तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं हुई। तुमसे मतलब? मेरी भी नहीं हुई। पागल होगी ना, वैसे भी शादी वादी नहीं होती है, समझे तुम? लेकिन तुम खुद को पागल क्यों कह रही हो? चुप करो, गंदा कहीं कर दो। देखो इसको बदतमीज को, घर से धक्के मार के निकाल दे इसको। तो साथ एक बात माननी पड़ेगी, बड़ा ही मनहूस इंसान है भाई तू, जिससे पूरी दुनिया भागती वो तुझसे भाग रही। वाह क्या कहा क्या कहा क्या कहा मुझे, मतलब बहुत बड़ा इंसान है तू, बहुत बड़ा इंसान। हाँ कोल्टी सीधी बात ही कर रहा मुझसे। अरे तुम तो खाना खाओ, ये सारे तो पागल है पागल, तुम की भूख मार रही हो अपनी। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। अप्पा मेरे लॉटरी का टिकट। अरे भाई क्या हो गया, क्यों रो रहा है, रो रहे हो? यार मेरा इनाम का पर्चा गुम हो गया। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ जानी मेरी मदद करो यार। कहाँ गया? पता नहीं, घर से बाहर तो नहीं गए थे? नहीं तो? तो फिर घर में ही होगा, ढूंढ लेंगे आराम से। आराम से नहीं, फौरन ढूंढो अभी। अरे क्या जल्दी है यार, ढूंढ लेंगे। नहीं नहीं मुझे अभी चाहिए भाई, अभी अभी। जानी जो भी मुझे पर्चा ढूंढ के देगा मैं उसे इनाम की आधी रकम दूंगा। आधी? या अल्लाह मेरा पर्चा दिला दो अप्पा। वो यार कहाँ चला गया, कहाँ चला गया भाई? यार यही तो बैठा था यार, किधर चला गया? कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कर... जानी क्या हो गया बला, तुम इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं। अच्छा ये कुछ नहीं है तो बला फिर इधर उधर क्या घूम रहे हो? वो मेरा कागज गिर गया। कागज गुम गया है, उसके लिए बला इतनी परेशानी जैसे कोई जायदाद के कागजात गुम हो गए हो तुम्हारे। मैं ऐसे समझ लो जायदाद के ही थे। क्या मतलब है तुम्हारा, सही सही बात बताओ। अरे वो अपना मुझे है ना, उसका कागज गुम गया। तुम बला हमारे मैनेजर हो या उस गधे के? गधा नहीं है वो। अच्छा तो फिर क्या खच्चर है?
अरे वो करोड़पति है। क्या करोड़पति? तुमको कैसे पता? द्रो अच्छा, तभी तो मैं कहूँ तुम तो मरने वाले को पानी तक ना पिलाओ और उस छोकरे के पीछे पीछे तुम घूमे जा रहे हो, उसकी खिदमतें कर रहे हो। अच्छा बातें छोड़ो, ढूंढो ढूंढो, इधर देखो। हाँ चलो ठीक है, मैं भी ढूंढवाती हूँ। ठहरो ठहरो, देखो अल्लाह करे मिल जाए, करोड़ों की बात है बाबा। शाबाश, ये उठा के देखो, वो देखो, हाँ इधर भी ये देखो, ये देखो। क्या कर रहे हैं आप? मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्या कर रहे हैं आप? बिरयानी खा रहा हूँ। तुम इतनी तमीज से बात क्यों कर रही हो मुझसे? वो मुझे इस बात का एहसास हो गया, मैंने आपसे ना उस दिन बदतमीजी की थी। अच्छा हुआ। क्या बदतमीजी करने पे? नहीं नहीं, कि तुमने मुझसे माफी मांग ली। वो आपने मुझसे कुछ पूछा था। हाँ हाँ हाँ, जूस पीने का। आपको भला खाने खाने के अलावा और कोई बात याद नहीं रहती क्या? नहीं, मुझे जूस पीना है। अच्छा मैं ला के देती हूँ, जल्दी लाना। हाँ हाँ, सबर सबर। अच्छा आप मुझे पूछ रहे थे ना कि वो मेरी शादी हुई है कि नहीं हुई। मैंने कब पूछा? कुछ देर पहले। अच्छा हाँ, पूछा होगा। वो मेरी शादी नहीं हुई, मैं शादी करने के लिए कोई लड़का ढूंढ रही हूँ। हाँ हाँ, तो मुझे एक गिलास जूस पिला दो, मैं तुम्हारी दुआ करूंगा। आप भला क्या जूस पीने से पहले कोई बात नहीं करेंगे क्या? हाँ आप जल्दी से जूस ला दो मुझे, लाती हूँ। अरे वाह दीवा, तुझको कैसे पता चला मुझे प्यास लगी है? लाओ इधर। अरे नहीं नहीं अदा, ये आपके लिए नहीं है। अरे बाबा क्या हो गया है? तो फिर अपनी भाभी के लिए बनाया होगा ना? नहीं, उसको तो मैं जहर बना के पिलाऊं। अरे बाबा तो फिर किसके लिए बनाया है? वो जानी? अरे बाबा उसकी इतनी मजाल। अरे नहीं नहीं, ये जानी के लिए भी नहीं है। फिर बाबा क्या पौधों को पिलाने जा रही है? अरे नहीं अदा, वो है ना मुझी। क्या वो मुझी? अरे बाबा वो अभी तक यहाँ कर क्या रहे और उसकी इतनी मजाल इसकी। अरे बाबा रुको दा। हाँ बोलो बाबा, क्या हुआ है? आपको नहीं पता वो कौन है? हाँ बाबा मुझे पता है, वो सीमा ने उसको अपना भाई बनाया हुआ है। अदा आप उसको अपना दूल्हा भाई बना लो ना। क्या बात कर रही है, चरी हो गई है क्या? क्यों भला इसे में क्या गलत है? अरे बाबा उसमें ठीक भी क्या है। बाबा अब पता चला कि उसको भाई क्यों बनाया है। अच्छा अब भला तुम मुझे बताओ इसमें क्या बुराई है? हाँ बाबा बात ये है, तो बुराई तो नहीं है बाबा, वो मुझे कुछ थोड़ा सा किसका हुआ लगता है। वो कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रहा था? अरे नहीं अदा, वो जानी ने देखा है, जानी ने मुझे खुद बताया है। लेकिन बाबा उसके अब्बा तो बिल्कुल भिखारी लगते हैं। भाई शक्ल से तो हमारा बाबा जानी भी कोई इतना खूबसूरत नहीं है। अब देखो मैं कितनी खूबसूरत दिखती हूँ। हाँ बाबा ये बात तो है, लेकिन एक मुश्किल है। हाँ बाबा क्या मुश्किल है बताओ। अदा वो पर्ची कहीं खो गई है। अरे बाबा तो क्या हो गया, उस पर्ची को सब मिलकर ढूंढते हैं। अरे हाँ लेकिन ठहरो, मैं उसको थोड़ा जूस देकर आ जाऊँ, उसके बाद सब मिलकर ढूंढते हैं। हाँ बाबा जाओ 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 जूस पिलाओ। अरे बाबा पर्ची कहाँ से ढूंढे अब, चलो अल्लाह मालिक है। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। तुम सबने मिलके मेरा इनाम गुमा दिया। अरे बाबा वो इनाम थोड़ी था, वो तो पर्चा था। अरे बाबा एक ही बात है। अच्छा तुम रो मत, हम सब मिलकर ढूंढते हैं ना। हाँ चलो जरीना जान बच्चे, चलो हम मिलके ढूंढते हैं। चलो 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 शुरू करें। जो भी मेरा इनाम ढूंढ के देगा ना, मैं उसे आधा इनाम दूंगा। तो बाकी लोग जो मेहनत करेंगे उनको भी हिस्सा मिलेगा। अरे बाबा चलो नया बड़ा खोलेंगे बाबा, चलो जानी इधर नहीं खड़े होके ढूंढने, बाहर चलो बाबा, बाहर है बाहर, हम दोनों बाहर चलते हैं बाबा, चलो। अरे नहीं भला भाई, ये बताओ पक्की बात है तुम घर से बाहर गए थे? क्या नहीं मिला? अरे बाबा वो इनाम वाला पर्चा। क्या हुआ उस पर्चे को? अरे बाबा तुमने ही तो बोला था कि वो पेपर गुम हो गया है, और फिर तुमने कहा था सब मिलके ढूंढो, जो ढूंढेगा तुम उसको इनाम दोगे। वो भी आधा। बेचारा लगता है सदमे से पागल हो गया। हाँ बाबा लग तो मुझे भी यही रहा है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, पर्चा तो गुमा ही नहीं, वो तो मेरे पास है, ये देखो। ये मजाक कर रहा था बाबा, सबर करो इसकी तो। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, आराम से बच्चू भाई, मुझे भी बड़ा गुस्सा आया था, लेकिन बस
पैसे की रकम सामने आ गई थी। अच्छा, तो ये सब मजाक करने की कोशिश कर रहे थे और जो हम थक गए ढूंढ उनके मेरे को समोसे खिलाए थे। है ना, बहुत मजा आया मुझे, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अरे बाबा, इसके बाप को बुलाओ, वो गज्जे को, टकले को, क्या नाम है उसका, जानी फोन करो उसको, बुलाओ बाबा। अब्बा को कॉल करने से पहले ना एक बार इनाम देख लो, 10 करोड़ है, 10 करोड़। बाद में फोन करेंगे। बाबा भी फोन करो, बाप के दूध का दूध, पानी का पानी करें। हाँ, मेरा ये मुझी, देखो मुझी, वो देखो वो देखो वो देखो, तो माजिद लिखा हुआ है वो जी। अरे अब्बा, मेरा बच्चा वो जी। मैं गुजिया गुजिया पाना बच्चा। यहाँ किसी को तंग तो नहीं किया ना? नहीं नहीं अब्बा, मैंने बिल्कुल तंग नहीं किया। शाबाश रंगीला चाचू, कैसे हैं आप, कब आए? बस अभी अभी आया, इतनी इज्जत, वो भी मेरी, भाई लगता है मेरे बेटे ने कोई जादू कर दिया है। ऐसा वैसा? अरे भाई क्यों नहीं, आखिर बेटा किसका है। खैर छोड़े इन बातों को। आप भला कुछ पियेंगे? भाई चाय हो जाए अच्छी सी। हाँ बाबा जानी, जाओ एक अच्छी सी चाय लेकर आओ बाबा, जाओ। मैं अभी लेकर। मुझे बेटा बाहर जाके देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या लाया अब्बा? बेटा एक और लॉटरी का टिकट। एक और लॉटरी का टिकट है? क्या मतलब एक और लॉटरी का टिकट? अरे बाबा, क्या आप लोगों के टिकट की दुकान है क्या? अरे भाई वो पड़ोसियों से क्या छुपाना, मेरा बेटा जरा थोड़ा सा पागल है, इसीलिए मैंने इसके दाम का टिकट बनाकर दे दिया है, उसे देखकर खुश होता रहता है। क्या? अरे बाबा, इसका मतलब है कि आपने हमारे पास एक पागल छोड़ दिया था। अरे भाई, अगर मैं ये बता देता कि ये थोड़ा सा फिसका हुआ है तो आप लोग थोड़ी रखते उसको। अरे भाई, अरे भाई ये चीनी जरा कम है। हाँ बाबा, अभी डलवाता है चीनी जरा, रखो इसको, चीनी पिएगा ज्यादा चाय में। आजा आजा। अरे बाबा, ये मेरे बेटे का ही घर है ना, ये पतियों से इस्तकबाल, ये क्या है भाई? बाबा साईं को और भैंस को, बाबा दोनों को रोते हुए देखा है। ये भैंसे तुम्हारे दिमाग से कब निकलेंगी? आप तो निकल सकती हो मेरे दिमाग से, भैंसे नहीं निकल सकती। मोरादाद लिखा हुआ है। अच्छा बाबा, और क्या लिखा है? ये रिपोर्ट है, खत नहीं है कोई। अरे बाबा तू रो क्यों रहा है, क्या हुआ? आप बस यहाँ आ जाओ बाबा जानी, जल्दी। अरे बाबा, अब ये किधर जा रहा है? घर में मौत होने वाली है, मैंने सोचा एडवांस में ही सारी चीजें लेके आ जाऊं। खैरियत तो है ना, कोई बताई कुछ नहीं रहा मुझे? ऐसा कुछ बताने वाला है ही नहीं, क्या बताऊं मैं आपको? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ चल रहा है? बड़ा सुकून आ रहा है। अरे बाबा मुझे ये तो बताओ, ये तुम लोग मेरी इतनी खिदमत क्यों कर रहे हो आजकल? बस जनाब, जब इंसान के पास वक्त कम हो तो ऐसा ही महसूस होता है। बेटा ये नसीब की बात है, जब होनी होगी तो हो जाएगी ना। बाबा साई आप समझ नहीं रहे ना, मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी नजरों के सामने दुल्हन बन के जाऊँ। इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जा कर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा।